हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके सामने लाया हूँ महिंद्रा अर्जुन 555 अल्ट्रा 1। देख सकते हैं इसका जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में बहुत दिक्कत आ रहा है। गियर क्या है, लगातार टाइम पूरी तरीके से जो फंस रहा है गियर। अभी गियर का जो टापा है, टापा को ऊपर उठाएंगे। पहले हम इसको पूरा खोल लिया हूँ, इसका स्प्रिंग भी निकाल दिया हूँ। जैसे साइड का जो पायदानी है, पायदान को भी निकाल दिया हूँ। अभी गियर का जो लॉक, जैसे तो लॉक लॉक को भी मैंने निकाल दिया है लॉक को। अभी इसको लीवर को ऊपर उठाएंगे। लीवर उठाओ आराम से। लीवर को ऊपर उठा लिए हैं। अभी इसका जो जैसे तो छर्रा को निकाल रहे हैं गियर टापा का। 8 छर्रा है, 8 स्प्रिंग है इसमें। इसका जो है एक कैप्सूल है इसके अंदर। कैप्सूल क्या है, खराब हो चुका था, जिसके कारण इसमें नया कैप्सूल डालना पड़ेगा। कैप्सूल डालने से गियर जो फंसना है वो खत्म हो जाएगा। गियर का जो हंडी, हंडी भी निकाल लेना है। अभी साइड का ये पूरा लीवर सिस्टम, इसको बाहर निकालना है। ये हंडी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अभी इसका जो लीवर सिस्टम है उसको बाहर निकालेंगे। देख सकते हो एकदम आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से आप इसका लीवर का जो सिस्टम है बाहर निकल सकते हो। अभी 2 बोल्ट है, 14 नंबर, देख सकते हो। 2 बोल्ट खोलने से जो गियर का जो टापा है चेंजर सहित ऊपर आ जाएगा। देख सकते हो इसके अंदर एक प्लेट है, कुछ इस तरीके से डिजाइन है अंदर में। देख सकते हो इस तरीके से जो गियर है, गियर लगता है इसमें। इसका भी लॉक खराब हो चुका है, जैसे लॉक लॉक भी बदल देंगे। देख सकते हो पेचकस से मैंने इसको अलग कर लिया है। अभी इसको आसानी से ऊपर तरफ उठाएंगे आराम से आराम से। चलो कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है। देख सकते हो गियर बॉक्स का डिजाइन अंदर में, देख सकते हैं जिस तरीके का डिजाइन है गियर बॉक्स का अंदर में। अभी अंदर में खोलेंगे, खोलने के बाद इसका जो कैप्सूल है, पहले एक मिस्त्री खोला था, कैप्सूल को फेंक दिया था। अभी कैप्सूल को अंदर में सेटिंग करना है। देखो तो इसको ऊपर का जो पट्टी है, पट्टी को कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेना है। तो पट्टी को इस तरीके से आपको निकाल लेना है। इसका जो गियर का जो नाल निकालेंगे, पट्टी खोल लेना है आपको। देख सकते इस तरीके से पट्टी में जो एनामोल लगा के फिटिंग किया था, दो साइड में 2 पट्टी है। देख सकते हो ये छेदा में, अब देख रहे हो छेदा, छेदा में एक कैप्सूल रहता है। कैप्सूल कैप्सूल क्या है, जो अगला मिस्त्री था वो इसको फिटिंग नहीं किया था। अभी कैप्सूल को कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। देख सकते हो ये साइड में एक बोल्ट है, बोल्ट को आपको निकाल लेना है। उसके बाद ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल को इस तरीके से फिटिंग कर लेना है। 2 कैप्सूल रहता है इसमें। देख सकते हो कैप्सूल को सेट कर लिए हैं। अब इसका जो नाल है, नाल को भी फिटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो मैंने जो कैप्सूल है, कैप्सूल सेटिंग कर लिए हैं। अभी इसको पूरा साफ करके फिर गियर बॉक्स में सेटिंग करेंगे। देख सकते हैं जो कैप्सूल है, कैप्सूल मैंने सेट कर लिए हैं। अभी जो गियर का टापा है उसको बैठाएंगे गियर बॉक्स के साथ। चलो आपको ये सब देख के लेना है हर टाइम, क्या है इधर फंसता है। 1-2 कंगन है इसका, कंगन में आसानी से आपको बैठाना है टापा को।
देख सकते हो जो गियर का टापा है, टापा मैंने बैठा दिए हैं पूरी तरीके से, गियर को चेक कर रहे हैं। अभी इसका टापा स्प्रिंग उस्प्रिंग लगा के आपको चला के दिखाएंगे किस तरीके से जो गियर का कैप्सूल है, कैप्सूल डालना चाहिए। देख सकते सारे गियर में काम कर रहा है। देख सकते हो एसी वाला प्लेट, एक प्लेट आपको सेट कर लेना है। देख सकते प्लेट, अभी गियर का लीवर, देख सकते कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। देख सकते हो अभी कुछ इसको लगा लेना है आपको। तेरा नंबर नट बोल्ट। देख सकते हो गियर का जो हंडी में, हंडी में दो कैप्सूल लगता है। देख सकते हो कैप्सूल कुछ इस तरीके से का कैप्सूल है। कैप्सूल में क्या गियर लगा रहता है, गियर का खाचा। देख सकते हो खाचा में एक कैप्सूल सेटिंग होता है कुछ इस तरीके से। गियर का हंडी को सेट करेंगे। जैसे गियर का हंडी, हंडी को सेट कर लिए हैं हम। अभी ऊपर में छर्रा और स्प्रिंग डालेंगे। देख सकते चेंजर का जो छर्रा, जिस तरीके से आपको डाल लेना है छर्रा। यहाँ एक छोटा छर्रा लगता है छेदा में, देख सकते हो। और यहाँ बड़ा बड़ा चेंजर स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग को सेट करेंगे। दोस्तों गियर का जो लीवर है, लीवर को हम सेट करेंगे। एकदम सीधे रख के आपको सेट करना है। क्या वहाँ कैप्सूल है, कैप्सूल में बैठना चाहिए। हाँ अभी देख सकते हो इसमें काम कर रहा है अंदर में। देख सकते हो यहाँ लॉक है, लॉक को फिटिंग कर लेना है। लॉक एक स्प्रिंग, एक वॉशर। देख सकते हो लॉक को सेट कर लिए हैं हम। अभी ऊपर का जो टापा है, टापा को बैठाएंगे। बोल्ट को पूरा कस दिए हैं। अभी गाड़ी आपको चला के दिखाएंगे। देख सकते गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। अभी गियर लगा के आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देख सकते गाड़ी पूरी तरीके से सही हो चुका है। इस तरीके से आप अपना गियर बॉक्स ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मेरे अगले वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।